दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक सोनी कंपनी का एलईडी टीवी है जिसको मैंने ओपन करके रख लिया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सोनी कंपनी का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका मदरबोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मदरबोर्ड। और ये दोस्तों मैंने इसको ओपन करके यहाँ पर इसका जो आईआर सेंसर पैनल होता है उसको भी मैंने यहाँ पर रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों ये टीवी को जो है, इस टीवी में जो फॉल्ट है ये 6 टाइम प्रोटेक्शन ब्लिंकिंग का फॉल्ट है। जैसे कि मैं आज इसका स्ट्रिप चेंज करने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों टीवी जो ऑन हो गया, इसमें देखिए सिर्फ एक स्ट्रिप जल रहा है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक स्ट्रिप जल रही है, ठीक है। इसमें 3 स्ट्रिप है लेकिन एक स्ट्रिप जल रही है, बाकी का ग्लो नहीं कर रहा है। अब थोड़ी देर में जो है ये प्रोटेक्शन पे चला जाएगा, यहाँ ब्लिंकिंग करने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टीवी है 6 टाइम प्रोटेक्शन पे है। अब हम इस पे जो है ये जो स्ट्रिप है, बैकलाइट स्ट्रिप, इसको चेंज करेंगे, नया वाला स्ट्रिप इसमें डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने मार्केट से जो है नया वाला स्ट्रिप को मंगा लिए हैं। अब इस स्ट्रिप को इसके अंदर डालेंगे और इसमें 3 स्ट्रिप लगता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 स्ट्रिप लगता है और ए बी बोल के जो है ये स्ट्रिप आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया ए और ये बी, ये सॉरी ये बी है और ये ए है। तो दोस्तों इसमें 3 स्ट्रिप लगता है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं ये सबसे पहले ये पुराना वाला जितने भी है इसको पहले निकाल लेता हूँ, साइड में रख देता हूँ। जो ये वाला है हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। और ये जो बी वाला है दोस्तों बीच पे लगाएंगे। और फिर ये जो एक ए वाला है फिर इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रिप को लगाने के बाद अब हम टीवी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें तीनों एलईडी ग्लो करने लगा। अब जो है फिर ये ऑन होके ऑफ हो गया। तो दोस्तों इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर पे 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जो 6 टाइम प्रोटेक्शन पे जो था ये तो निकल गया, अब ये 5 टाइम प्रोटेक्शन पे चला गया। तो अब इसे जो है कंफर्म नहीं हो रहा है कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके लिए जो है हमको पैनल को लगाना पड़ेगा ऊपर से। तो दोस्तों पैनल अगर लगाएंगे तो पैनल लगाने के बाद जो है काफ़ी रिक्सी हो जाता है, एक बार पैनल लगाइए और ऐसे में हमको कंफर्म नहीं हुआ कि अगर पैनल लगाएंगे फिर पैनल लगा के फिर अगर नहीं हुआ तो फिर इसको हम फिर पैनल को ओपन करेंगे। इसमें क्या होता है कि दोस्तों पैनल जो है टूटने का रिक्स रहता है। तो इसलिए जो है एक छोटा सा ट्रिक है जिसको लगाएंगे तो ये जो है 5 टाइम प्रोटेक्शन से निकल भी जाएगा और ये एलईडी जो है ग्लो करने लगेगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने टीवी को ऑन कर लिया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है ये जो है तीनों जो एलईडी है ग्लो कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 5 टाइम प्रोटेक्शन और 6 टाइम प्रोटेक्शन से भी बाहर आ गया है, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको बिना पैनल लगाए 5 टाइम्स प्रोटेक्शन से रिमूव करके यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि बिना पैनल लगाए सोनी टीवी का एलईडी को ग्लो करवा रहा हूँ। तो आज का वीडियो का मकसद यही था
कि आप बिना पैनल लगाए भी सोनी का जो बैकलाइट चेंज करेंगे तो उसका जो है मतलब आप ग्लो करके आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है कन्फर्म सही हुआ या नहीं हुआ, तो इस तरह से चेक करते हैं। तो इसमें छोटा सा एक ट्रिक है दोस्तों। तो इसका ट्रिक क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरे पास जो पुराना वाला जो 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 डैमेज जो पैनल था, स्क्रैप जो ये स्केलर बोर्ड था, उसको मैंने इस पे लगा दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे लगा दिया हूँ, जिस तरह से मेरा जो टीवी जो है 5 टाइम प्रोडक्शन से निकल गया और उसके बाद जो है ये एलईडी जो है ग्लो करने लग गया है। दोस्तों सोनी में क्या होता है कि जब तक आप ये पैनल नहीं लगाएंगे तब तक जो है आपका ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा, 5 टाइम प्रोटेक्शन पे चला जाएगा। इसलिए जो है ये जो आप अगर आपके पास ये पुराना वाला अगर ये स्केलर बोर्ड है तो आप इसको जो है लगा के इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो का यही ठीक था दोस्तों। अब हम इस पर पूरा कंप्लीट इसका जो है सारा जो इसका बैकलाइट जो रिफ्लेक्टर वगैरह है सबको हम इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे लास्ट में फाइनल कि हमारा टीवी ओके हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें मैंने अब सारा इसका पैनल वगैरह लगा चुका हूँ। अब इसके बाद टीवी ऑन करके देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सोनी लिख के आ गया है और यहाँ पर आप यहाँ HDMI पोर्ट भी दिखा रहा है। अब ये जो है यहाँ पर देखिए स्टैंड बाई से रिलीज होके ये टीवी ऑन हो चुका है, अब कोई भी प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है पुराना वाला स्केलर बोर्ड यूज करके आप पहले कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो है बैकलाइट सही से लगा या नहीं लगा। तो दोस्तों आज का वीडियो का मकसद यही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय दोस्तों।